प्यारे बच्चों, पाठ 3 शीर्षक है कविता के बहाने। कवि का नाम है पवन नारायण। कविता इस प्रकार से है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। बहुत सीधा और सरल शब्दों में इसका भाव है। अगर हम इस पर जाए तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जिस प्रकार से चिड़िया उड़ान भरती है, आसमान में उड़ती है, उड़ान भरती है, उसी प्रकार से कविता भी क्या करती है, उड़ान भरती है। यहाँ पर चिड़िया और कविता में एक समानता है। आगे कह रहा है कवि, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यानी कविता की उड़ान की महत्ता को चिड़िया नहीं जान पाती है, नहीं समझ पाती है। कैसे, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने कविता क्या जाने, चिड़िया क्या जाने। तो कविता क्या करती है कि सब घरों के में कविता के भाव रूपी पंख लगाकर उड़ने का अर्थ चिड़िया भी नहीं जान सकती है। क्या कह रहा है, सब घरों में कविता के भाव रूपी पंख क्या करते हैं, लगाकर उड़ने का अर्थ चिड़िया नहीं जान सकती है। यह चिड़िया क्या जाने, ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, ये चिड़िया उसके बारे में, कविता के महत्व के बारे में, कविता की उड़ान की सीमा के बारे में चिड़िया नहीं समझ सकती है। क्योंकि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है और कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। जैसे सब घर भाव रूपी पंख लगाना, सब घर में कविता पढ़ी जाती है और कविता एक बार रचना हो गई तो अनंत काल तक अमिट हो जाती है, अमर हो जाती है। इसलिए कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। और अगर हम दूसरे रूप में समझे, दूसरे भावनात्मक रूप से समझे, तो कविता हर व्यक्ति की जन भावनाओं पर आधारित कविता की रचना होती है और जन भावनाओं को ही आधार बनाया जाता है, प्रकृति को आधार बनाया जाता है। जैसे इस काव्यांश में आप देख रहे हैं, 3 प्रतिपाद्य है, 3 आधार बनाए गए हैं कविता कवि ने। पहला आधार चिड़िया की उड़ान, दूसरा आधार फूलों की मुस्कान और तीसरा जो प्रतिपाद्य कवि ने बनाया है वो तीसरा है बच्चों की क्रीड़ा। इन सब की तीनों की सीमाएं हैं, लेकिन कविता की सीमा नहीं होती है। इसलिए कविता अपने आप में, कविता का महत्व प्रभावी है। इसलिए कहा गया है कि आगे देखिए बेटा, कविता एक खिलना है फूल के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। ये कविता क्या कह रहे, आगे काव्यांश से दूसरा प्रतिपाद्य है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जिस प्रकार से फूल खिलता है उसी प्रकार से कविता भी बनने के बाद खिलती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता के मर्म को फूल नहीं जान सकता। कैसे, कविता क्या होती है, फूल क्या होता है, विकसित होता है। एक कली से फूल बना, फूल से एक परिपक्व फूल, विकसित फूल होता है। और फूल क्या होता है, अपनी सुंदरता, कोमलता और सुगंधता को बिखेरता है। उसी प्रकार से कविता भी अपने आकर्षण,
सुंदरता, आनंद, उत्साह, उमंग, इन सब से भरी होती है कविता। लेकिन इनमें सूक्ष्म अंतर है, दोनों में समानता है, दोनों महकते हैं, दोनों खिलते हैं, लेकिन थोड़ी सी इनमें असमानता है। असमानता क्या है? चिड़ी ये फूल जो है कि एक सीमा होती है, फूल कली के रूप में हुआ, कली से फूल बना, फूल से फिर विकसित पूरा फूल हुआ, और पूरे फूल होने के बाद वो अपनी कोमलता, सुंदरता, सुगंधता बिखेरता है। उसी प्रकार से फिर वो क्या हो जाता है, एक समय बाद वो नष्ट हो जाता है। ये सब होने के बाद फूल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कविता एक बार कविता की रचना हुई, कविता महक गई, कविता की सुंदरता बिखेर गई, तो फिर कविता हमेशा के लिए अमिट और जीवंत रहती हैं। इसलिए कविता के लिए कहा गया है कि कविता के महकने के मायने को, मतलब को समझ नहीं सकता। ये बिना मुरझाए महकने के मायने फूल क्या जाने, फूल क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। संपूर्ण सुंदरता सुगंधता को बिखेरने के बाद फूल क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। लेकिन कविता संपूर्ण सुंदरता, आनंद, उत्साह, उल्लास को बिखेरने के बाद समाप्त नहीं होती है, बल्कि उसमें और ज्यादा क्या होता है, निखार आता है। आने वाले भविष्य के लिए भी जो कविता है वह संदेश देती रहती है। इसी प्रकार से